स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दर्पण 2.0 की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ टिप्स जिससे आपको काम करने में इजी होगा। तो सबसे पहले आप स्क्रीन टाइम जो है फ़ोन का वो चेंज कर लीजिए। सेटिंग्स में आपको जाकर डिस्प्ले पर क्लिक करना है। डिस्प्ले पर आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा स्क्रीन टाइम आउट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 5 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स का होता है। उसको आप 5 मिनट्स या 10 मिनट्स तक कम्प्लीट कर लीजिए ताकि आपका फ़ोन बंद ना हो जैसे ही आप विड्रॉल या डिपॉजिट कुछ भी फॉर्म भरते हैं। तो इसके बाद बात की जाए जो आइकन्स बने हुए हैं इस फ़ोन के अंदर उनके बारे में, तो मैक्सिमम आइकन्स उसमें से IPVV से रिलेटेड हैं। IPVV का काम भी आपको इसी मोबाइल में ही करना है। ये भी काफ़ी डाउट है कि अलग से कोई मोबाइल मिलेगा या नहीं, लेकिन IPVV से रिलेटेड जितना भी काम है आपको इसी मोबाइल में ही करना है, जिसमें कि IPVV मोबाइल, माइक्रो ATM, आधार की CELC सर्विस, उसके बाद मंत्रा डिवाइस के लिए अलग से इसमें आइकन बना हुआ है जो आप कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी एप्लीकेशन इसमें चल सकती हैं। गूगल पे इसमें नहीं चलेगा, गूगल प्ले भी इसमें नहीं चलेगा, जीमेल भी इसमें नहीं चलेगी। उसके बाद आप कनेक्शंस में जाके देखोगे तो मोबाइल और टेथरिंग इसमें नहीं चलेगा। वाईफाई आप ऑन कर सकते हो, वाईफाई कॉलिंग आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोबाइल हॉटस्पॉट जो कि है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। प्रिंटर्स या मोर कनेक्शंस में आप देखोगे तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंटर की सेटिंग्स हो रखी है। जब आपको थर्मल प्रिंटर सप्लाई होगा तब आपको ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। अब इसके बाकी फ़ीचर्स भी देख लेते हैं, जैसे कि अब हम नेविगेट करेंगे एक और आइकन पर जो है गूगल मैप्स। तो गूगल मैप्स अब अगर आप ओपन करोगे तो वो ओपन हो जाएगा, आपको करंट लोकेशन भी दिखाएगा, लेकिन आप उसमें नेविगेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमने एक सर्च करके देखा नियरेस्ट सिटी में जाके मुंबई, तो उसने मुंबई की लोकेशन दिखा दी लेकिन आपको वो रूट नहीं दिखाएगा वहाँ का। तो आप अगर वो चीज़ यूज़ करोगे तो इसमें वो भी कामयाब नहीं हो, बिकॉज मोबी कंट्रोल से ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो रखी हैं और आपको मोबी कंट्रोल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, नहीं तो आपको भारी पड़ेगी। जो नई मंत्रा डिवाइस है उसके लिए MFS 110 का आइकन यूज़ होगा, और जो पुरानी मंत्रा डिवाइस अगर आपको किसी को मिली है तो उसके लिए पुराने वाला RD सर्विसेज आइकन ही यूज़ होगा। इसके बाद हमने स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी कम कर दी है, और हम अब चेक करेंगे दर्पण ऐप, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपने नोट की होंगी। जो मॉड्यूल दिया गया था वो उसके हिसाब से नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आप इसमें बायोमेट्रिक से लॉगिन इस टाइम नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है जो कि यूज़र ID, पासवर्ड, और उसके बाद आपका पर्सनल मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिससे आप इसमें लॉगिन कर सकते हो। ये आप सभी ने यूज़ कर ही लिया है, इसके अलावा बायोमेट्रिक वाला ऑप्शन अभी नहीं है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे सबसे पहली स्क्रीन जो है वो यूटिलिटी टैब है, जिसके अंदर डे बिगिन और बाकी सब चीज़ें आपको मिलेगी। डे बिगिन से पहले कोई काम नहीं होगा, ये भी चीज़ आपको पता लग गई है। डेली रूटीन की वीडियो हमने स्पेशली आपके साथ शेयर की है, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आपको पता लगेगा कि आपको काम कहां से स्टार्ट करना है, कहां तक ख़त्म करना है। इसके बाद बात की जाए तो अलग दूसरी टाइप की मेल ऑपरेशन, जिसमें डिलीवरी, बैगिंग, इस तरह का काम आप यूज़ करोगे। CBS में आप लेन देन का जो भी आपका जमा निकासी का काम है वो करोगे। इंश्योरेंस टैब में आप RPL IPLI की जमा करने की किस्तें, इसके अलावा वॉलेट में आपको बैलेंस जो चेक करना है वहाँ आपको डिटेल भी मिलेगी, जिसमें आपका नाम, ब्रांच ऑफिस का नाम, बिजनेस डेट जो कि आज करंट डेट होनी चाहिए, और वॉलेट बैलेंस जो है वो आपका BO का करंट कैश बैलेंस के साथ मैच करना चाहिए। अगर आप लेफ्ट साइड में क्लिक करोगे तीन जो लाइनें लगी हुई हैं तो वहाँ पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा। सेटिंग्स के ऑप्शन में जाकर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक स्कैनर जो है सिलेक्ट हो रखा है, ZXING स्कैनर। आपको यही वाला स्कैनर यूज़ करना है जब भी आप आर्टिकल स्कैन करोगे या फिर बैग का बार कोड स्कैन करोगे। अलग से एक्स्ट्रा कोई स्कैनर आपको नहीं मिला है, आपको इनबिल्ट स्कैनर जो इसका कैमरा है वो ही यूज़ करना। डे बिगिन से पहले ये कोई भी काम आपको नहीं करने देगा। उसके बाद हम अगर राइट साइड में तीन डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐप की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसमें काफ़ी सारी परमिशंस जो हैं वो दी गई हैं। तो इसके साथ भी कोई आप प्लस माइनस छेड़छाड़ ना करें। ऐप इन्फो के नीचे एक और ऑप्शन दिया गया है डेवलपर लॉग्स, जो कि इनबिल्ट डाटाबेस के लिए होता है। उसके बाद आप देखोगे इसके अंदर लॉग आउट का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको ये एप्लीकेशन स्वाइप अप कर देनी है जिससे लॉग आउट हो जाएगी। दर्पण 2.0 की बाकी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। होप सो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।